हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मधुलिका कश्यप। और आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ अपनी एक रेसिपी जो है साबुदाने की रेसिपी। और इस रेसिपी में हम क्या क्या बनाएंगे, कैसे इसको इंक्लूड करेंगे, कौन से हर्ब्स और स्पाइसेस इसके अंदर मैं यूज करूँगी, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट मैनेजमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको एज अ ब्रंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ इवनिंग स्नैक। अगर आप कंट्रोल पोर्शन में आप इसको इवनिंग में इंक्लूड करते हैं, सपोज आपको डिनर में सिर्फ सूप या फिर कोई फ्रूट वगैरह लेना है, तो आप इवनिंग में इस रेसिपी को यूज कर सकते हैं, ताकि आपको उस समय पर काफी तेज भूख ना लगे और आपको वेट लॉस में ये काफी हेल्प करे। तो चलिए देखते हैं हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने लिया है ये 1 बोल वेजिटेबल्स। इसके अंदर है बीन्स, ऑरेंज कैरेट एंड पीज यानी कि मटर, ये मैंने इसमें इस समय पर लिया है। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और 1 बोल से थोड़ा सा कम मैंने सोक्ड साबुदाना यहाँ पर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पर ये रेड चिली एंड जो करी लीव्स होती हैं वो, आप इसकी जगह ग्रीन चिली भी ले सकते हैं, बट फॉर एडिंग द कलर मैंने इसमें रेड चिली जो है वो ऐड किया है। और अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पैन के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून से भी थोड़ा कम मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी ये भुना हुआ जीरा, और जब तक थोड़ा जीरा क्रैकल होता है तो उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये रेड चिली और करी पत्ता, थोड़ा सा इसके हम यहाँ पर हल्का सा सॉटे करेंगे। और इसके साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। और इसको थोड़ा सा मैं कुक करूंगी, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करूंगी, इतना ही कुक करूंगी, क्योंकि मैं ये जो गाजर है यानी कि जो कैरेट है ये थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही इसको मुझे यहाँ पर कुक करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। आप इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसमें सॉल्ट डाला है, और अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये 5 मिनट के लिए थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो है वो थोड़ी सी स्टीम हो। ओके, तो अब देखते हैं इसका हमारा क्या स्टीम हो गई है। स्टीम वेजिटेबल्स ये ऑलमोस्ट जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं गाजर, और इसको बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, ये काफ़ी बिल्कुल ठीक है इस समय पर। यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा ये सब्जी मसाला जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं इसको भी। और इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर, जो कि साथ साथ वेट लॉस में मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होता है उतना ही अच्छा होता है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए इसमें मैंने डाला है सब्जी मसाला, और इसमें मैं थोड़ी सी ये ऐड करूँगी ये जो थाइम होती है, ये थाइम जो बोलते हैं जिसको हम पिज्ज़ा में डालते हैं, ये एक हर्ब होती है, ये बहुत अच्छी होती है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ी सी ऐड करूँगी थाइम। अगर आपके पास ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको ना डालें। और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करूँगी ये पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है, ये भी हर्ब्स का मिक्सचर होता है, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगे कि कुछ ख़राब है, ऐसा नहीं है, ये फ्लेवर तो देते ही हैं, साथ साथ ये काफ़ी बेनिफिट भी होता है इनका, हर्ब्स का। जितना हम हर्ब्स और स्पाइसेस अपने खाने में यूज़ करते हैं उतना ही हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट होता है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना जो साबुदाना था उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, और इसको हम जस्ट थोड़ा सा सॉटे करेंगे, और दैट्स इट। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर ढककर रख देंगे। सो माई साबुदाना खिचड़ी इज एब्सोल्युटली रेडी गाइज, और ये बहुत डिलीशियस भी है और हेल्दी भी है। अगर आप में किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं चटपटा कुछ खाने की, तो आप इसको दही में जीरा डालकर भी खा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हरी चटनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर
या फिर अगर आप थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी में भी लें तो आप इसको इवनिंग स्नैक में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप वेट मैनेजमेंट के लिए सोच रहे हैं। मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को इस तरह की रेसिपी जो है वो रिकमेंड करती हूँ जस्ट फॉर अ चेंज। और इसके साथ मैं यहाँ पर ये इंक्लूड करूँगी, ये है देसी घी। आप इसके साथ देसी घी भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ कोकोनट ऑयल जो होता है, कोल्ड प्रेस वर्जन कोकोनट ऑयल, जो कि ऑलमोस्ट मेरे सारे क्लाइंट्स के पास होता ही है। तो जो थायराइड पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइड के स्पेशली पेशेंट जो होते हैं जिनको वेट रिड्यूस करना होता है या फिर जिनको ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, उस तरह से ये जो खिचड़ी है या फिर इसको आप उपमा भी कह सकते हैं साबुदाने की, ये एब्सोल्युटली फिट है आपको वेट लूज के लिए, आपको वेट मैनेजमेंट के लिए और आपके थायराइड यानी कि हाइपोथायराइड में जिसमें ग्लूटेन फ्री बहुत जरूरी है उसके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।